नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट सिटीजन न्यूज, आम जनता की आवाज। ताजा तरीन खबरों के साथ। काली नदी में अधिक पानी बढ़ जाने से कई बीघा फसल बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के विकास खंड सिद्धपुरा क्षेत्र ग्राम नगला भिकारी में काली नदी में अधिक पानी बढ़ जाने से फसल हुई जलमग्न। वही आपको बताते चले, नदी में पानी अधिक आने से किसानों की कई फसल जैसे गेहूं, सरसों, लहसुन आदि फसल का काफी भारी नुकसान हो गया। किसान भाइयों का रो रो कर बुरा हाल है। जनपद कासगंज से रिपोर्टर अंतोष कुमार की खास रिपोर्ट। देख रहे हैं जनपद कासगंज के ब्लॉक सरपरा के अंदर ग्राम नंगला भिकारी के बीच हम आए हुए हैं। भाई साहब, आपका क्या नुकसान हुआ है? अरे मान लो हमारे लहसुन, मान लो काली नदी की वजह से लहसुन में माल पानी भर गया, पानी भरो ठाड़ो है। हाँ भाई साहब, आपका क्या नुकसान हुआ है? अरे आइए ना। अरे भाई साहब, मेरे नुकसान हुआ 5 बीघा लाचलों को, सिर्फ पानी की नदी की देर से सिर्फ सारा नुकसान हो गया। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई देखने वाले आता है। यहाँ पर इतना नुकसान हुआ है, निकल सब लोग देखते हैं और हंसते हैं और ये कहते हैं कोई सुनवाई नहीं होती सरकार में, क्या करें। और आपका क्या नुकसान हुआ भाई साहब? गेहूं करे थे यहाँ पर, सो चले गए हैं। और क्या गया है? गेहूं ला मतलब लोगों की फसल चली गई, हमारे भी चले गए गेहूं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारी फसल काली नदी के बढ़ने से लाल लहसुन गेहूं तम्बाकू चले गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में पानी भर चुका है। पानी भरने की वजह से ना ये बढ़ सकते हैं आगे, ना हम बढ़ सकते हैं आगे।